अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाल न्यूज 24x7.com और मैं हूं आफताब आलम, क्योंकि साहस है सच दिखाने के लिए। जी हां, बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन लगातार डीजीपी साहब गुजारिश करते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम रोहतास की बात अगर करें तो रोहतास में पिछले दिनों एक राइस मिल के मालिक की अपहरण कर ली गई, उसके बाद उनकी हत्या कर ली गई। इसके बाद रोहतास पुलिस ने एक्शन लिया और कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया, जिसमें साफ हो गया कि हत्यारा वही लोग हैं। क्या कुछ कर रहे हैं डीएसपी वहां के राजेश कुमार सासाराम के, आइए आपको सुना। दरअसल घटना पुलिस थाने के 12-13 जो है ये मार्च के रात्रि में घटी थी। वहां पर एक मिल मालिक जो है एक मानिक चंद गुप्ता करके थे, उनकी हत्या कुछ लूटपाट करने वाले धान लूटपाट करने वाले जो भी अपराधी गिरोह थे उनके द्वारा कर दी गई थी, और उसमें उनके साथी की भी हत्या हुई थी। और पानी में डेड बॉडी मिला था, हाथ पैर वगैरह बंधा हुआ था। उसी का अनुसंधान यहाँ पर हेतु जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष इन्वेस्टिगेशन हेतु टीम बनाई गई थी। चार लोगों को गिरफ्तार किए हैं। ड्राइवर जो लाइनर की भूमिका में था मदन साहब, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तूफानी पासवान जिसके द्वारा एक पूरा घटना का जो है योजना बनाया गया था और घटना जो खारिज कराई गई है उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दो अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साफ है कि क्राइम भी बढ़ रहा है और पुलिस लगातार मुकम्मल तरीके से अपना काम कर रही है, जैसा कि पुलिस दावा करते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर पुलिस की अहम भूमिका हो सुरक्षा देने में आम आदमी को, तो बड़ी बड़ी घटनाओं पर रोक जरूर लग सकती है। कैमरा पर्सन शताब खान के साथ आफताब आलम, LRNews24x7.com। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।